चलो दोस्तों, जैसे कि प्रधानमंत्री 500 रुपया डाल रहे हैं, चाहे छात्र के छात्रवृत्ति पैसा आ रहा है, जैसे चाहे मुख्यमंत्री 1000 रुपया डाल रहे हैं, तो आइए गूगल पे हम खोलते हैं कैसे बैलेंस, घर बैठे बैलेंस चेक करें। अपना स्मार्टफोन उठाइए और गूगल खोलिए, ओपन करिए। जैसे कि मैं सर्च किया हूँ पी एफ एम एस, मैं इसको सर्च करता हूँ। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नो योर पेमेंट पर क्लिक करना। नो योर पेमेंट, देखिए क्लिक करिए तो इस तरह के प्रोसेसिंग आएगा। पहल कर पेमेंट बाई के अकाउंट नंबर, मतलब इसमें बैंक का पहल का नाम देना पड़ेगा, कौन सा बैंक का है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, कौन सा बैंक का है। उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन, जैसे वर्ड है यहाँ डालना है। ठीक दोस्तों, तो ठीक है चलते हैं, हम चेक करते हैं जैसे कि हमारे बैंक में सरकार पैसा डाला है कि नहीं। आइए चेक करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्च मारोगे तो ऐसे लिस्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर मेरा अकाउंट नंबर, देखिए जैसे कि अब वेरिफिकेशन, वर्ड वेरिफिकेशन, जैसे कि 5 7 29 00। आइए हम सर्च करते हैं, सर्च के बटन पर जाना, सर्च। देखिए हमारा पूरा डिटेल आ गया, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा नाम श्याम सुंदर गौतम, कौन पैसा ट्रांसफ़र किया उसका नाम, मुख्यमंत्री विशेष सहायता, जैसे कि हमको हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1000 रुपया डाले हैं, वो सहायता किए हैं। ठीक ना, ये ट्रांसलेशन या आईडी है, अमाउंट मेरे को 1000 रुपया सरकार पैसा डाला है हमको, बैंक टैक्स डेट 18/4/2020, हमको 18 तारीख को पैसा ये प्राप्त हुआ है दोस्तों। वाला एकदम सिंपल है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मोबाइल स्मार्टफोन उठाइए अपना, अपना उठा के चेक करिए। ठीक दोस्तों, आगे के वीडियो में कुछ नई चीज़ लेकर हम आएंगे।